લીલી હળદરનું શાક અને ઘઉંના રોટલા. લીલી હળદરનું શાક અને ઘઉંના રોટલા શિયાળાની સ્પેશિયલ વાનગી, બહુ જ મસ્ત હોય છે. ઉદયપુર રાજસ્થાનની સ્પેશિયલ આઈટમ છે, બહુ જબરજસ્ત ટેસ્ટ હોય છે અને બહુ જ ફાઇન લાગે. સ્પેશિયલ વિન્ટર કા તીખા તીખા ભાજી પાઉં, તીખા તીખા ભાજી પાઉં હે, એકદમ સ્પાઇસી વાળા. और विंटर में तो ऐसा तीखा सब्जी खाने का इतना मजा आता है ना, पूरा शरीर का ठंडी निकल जाता है, गर्मा आ जाता है. और इसका सुगंध में इतना मस्त टेस्टी है. आज अरविंद भाई ने हमारे घर में आके रोटी और मूंग की दाल बनाई. ये अरविंद भाई रसोई का मास्टर है, देखो मास्टर शेफ. हाय अरविंद भाई, मुझे में थोड़ा शर्मा रहे, हिचकिचा रहे हैं. अरविंद भाई का पहला यूट्यूब वीडियो है और ये अरविंद भाई अव्वल रसोई बनाते हैं. इसमें इनकी रोटी तो इतनी हरी भरी रहती है ना, और जल्दी नहीं आती, उनको बार बार बुलाना पड़ता है. इतना अच्छा बनाते हैं रसोई तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. बहुत तारीफ तारीफ करने वाले वस्तु बनाते हैं. रेगुलर मसाला डाल के बनाते हैं. तो बोलो ना उनका नाम, तो चैनल का नाम तो इसमें आएगा. चैनल का नाम नंबर भेजो. इनका भाभी भी बनाते हैं वीडियो, बेटी भी बनाते हैं, तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, पर नाम नहीं मालूम इनके चैनल का. ये अभी रोटी बन रही है, रोटी बन गई है, दाल बनी है. ये रोटी ऐसी बनी है, ये गांव की रोटी है जो सिटी में बनाई है इन्होंने. बहुत बढ़िया रोटी बनाते हैं, इसकी सुगंध ही बहुत अच्छा होता है. सबसे पहले इसमें डाला जीरा, उसके बाद हींग डाला, उसके बाद वो लहसुन डाला और उसके बाद प्याज डाला. और सबको सेकने दिया भुनने के लिए का. भुनने के बाद लाल हो जाए तब तक भुनने का. ज़्यादा अच्छा भुनने से क्या रहेगा कि गैस नहीं करेगा, वरना कच्ची प्याज होगी तो गैस करके पेट में, तो गैस नहीं होना चाहिए. ये वड़ियों की सब्जी बनाई है, देखो बहुत अच्छा बना है वड़ियों का सब्जी. अभी इसके अंदर पानी जाएगा. अभी टमाटर डाला है, टमाटर पकने देने का है. अभी टमाटर डाल के इसको पकाना है. अभी टमाटर डाल के पका है कैसे पता चलेगा? पानी छोड़ेगा ना, तेल छोड़ेगा, तेल छोड़ेगा. अभी इसके अंदर दाल जाएगा. थोड़ा जलेगा पानी, अभी तो चढ़ेगा ना, तो डालते हैं. बोलना है डालो, फास्ट करो, गैस फास्ट करो. अभी डालना है क्या? पानी नमक आएगा इसके अंदर, क्या तो खाऊंगा. इसमें है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना, तो फिर डालते हैं. बोलो कितना डालना है, और डालना क्या थोड़ा? टेस्ट करो. सही है.
नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दो अंदर। अभी इसमें उबाल आने देने का है, उबाल आने का है तब तक अपने को वेट करने का है। गांव की स्टाइल में, गांव की स्टाइल में। हाँ ना, तो हम तो सारी मिर्च डाल दें इसमें। अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, लेके आगे लेकर सरसों का सब्जी में बनाएगा। अभी तो सागर तेल में सरसों का तेल जाके तेल में सब्जी भाई और सरसों के तेल में अभी इसके अंदर हरा धनिया आएगा, हरा धनिया डाल के इसको फिर हला देना है। जलाराम पंजाबी तड़का बोड़कदेव के रास्ते में आता है। इसमें खाना पंजाबी सस्ता और अच्छा मिलता है, एकदम ढाबा टाइप का है रेस्टोरेंट और एकदम रीजनेबल भाव में बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। ये सबका रेट भी लिखा है देखो।